Download the VMC Guru app for free live classes, doubt clearance, and study resources. Hello, everyone, and welcome once again to Vidya Mandir Classes, online classes, India's best online classes, which we can say right now. So today, in this session, we will be going ahead with the second part of units and measurement, which is significant figures, right? So in this part, we will be discussing significant figures. And before we move on to significant figures, we need to discuss about two important definitions or two very, very important points, which leads to measurement, because we have discussed measurement in our one of our videos, first video, which I can say. So what is accuracy? Now, when we say accuracy, accuracy means that the closeness of the measured value to the true value of the physical quantity is known as the accuracy of the measurement. Matlab ki jo actual value hai uske kitna close hum measure kar paate hain wo accuracy hai. Agar maan lijiye kisi cheez ki jo actual value hai 2.5 hai, agar main 2.5 hi measure kar leta hun to main most accurate hun. बट अगर मैं 2.43 मेजर करता हूं, 2.45 मेजर करता हूं, 2.49 मेजर करता हूं, तो ये मैं एक्यूरेसी के पास जाता जा रहा हूं, ठीक है? तो एक्चुअल वैल्यू के जितने पास हम होंगे, हम उतने ही क्या कहलाएंगे? एक्यूरेट कहलाएंगे, राइट? एक बात हो गई कि एक्यूरेसी क्या है. अब एक टर्म आप सुनते हैं बहुत ज्यादा, रियल लाइफ में भी यूज किया जाता है, वो टर्म है प्रिसिजन. कहते हैं ना कि हाउ मच प्रिसाइज यू आर, प्लीज टेल बी प्रिसाइज इन योर कन्वर्सेशन, है ना? तो इस सब का मतलब तो डे टू डे लैंग्वेज में बदल जाता है, बट साइंस फिजिक्स प्रिसीजन का मतलब क्या कहती है? फिजिक्स प्रिसीजन का मतलब कहती है कि इफ इट इज द मेजर ऑफ द एक्सटेंट टू विच सक्सेसिव मेजरमेंट्स ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी डिफर फ्रॉम वन एंड अदर. मतलब एक्चुअली ये प्रिसीजन का मतलब ये होता है कि आप जो है कितना प्रिसाइजली, मतलब कि जो इंस्ट्रूमेंट आपके पास है वो कितने डेसिमल प्लेसेस तक, उसकी कितनी लीस्ट काउंट है जो वो आपको वहां तक मेजर कर सकता है, है ना? कि आप मान लीजिए स्केल से किसी मेजरमेंट को ले रहे हैं, उसी मेजरमेंट को आप वर्नियर कैलिपर से लें, उसी मेजरमेंट को आप स्क्रू गेज से लें, तो अभी इसी बात है, स्क्रू गेज से ज्यादा प्रेसिजन मिलेगा, वर्नियर कैलिपर से उससे थोड़ा कम मिलेगा, और स्केल से सबसे कम मिलेगा, राइट? तो हमने जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है कि सपोज द ट्रू वैल्यू ऑफ द एक्सपेरिमेंट, किसी एक्सपेरिमेंट में जो ट्रू वैल्यू है किसी की, वो है 35.75, राइट? और इसको हमने दो मेजरमेंट लिए इसके अंदर, एक मेजरमेंट हमने लिया 35.73 और एक हमने लिया 35.725. अब 35.73 अगर आप देखो तो 35.75 से ज्यादा क्लोज है, तो 35.73 जो कहलाएगा वो एक्यूरेट कहलाएगा, ठीक है? क्योंकि ये उससे क्लोज है, बट 35.725 उससे क्लोज तो नहीं है, उससे थोड़ा सा दूर है, तो ये एक्यूरेट तो नहीं हुआ, बट ये प्रिसाइज हुआ क्योंकि इसने तीन डेसिमल प्लेस तक मेजर कर लिया है. तो जो चीज तीन डेसिमल प्लेस तक मेजर कर ले रही है, यानी वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो ज्यादा प्रिसाइज है. तो ये डिफरेंस होता है एक्यूरेसी में और प्रिसीजन में, ठीक है? अब हम बात करते हैं जो टॉपिक हमारा आज का है, इसको हम कह रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स, इंपॉर्टेंट इस टर्म में कि क्वेश्चन आएगा तो 100% आपको मार्क्स मिलने ही मिलने हैं. सिर्फ जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको आप बस एकदम घोट के पी लीजिए, ठीक है? जो रूल्स है ना इसके, सब कुछ जो है इसके अंदर क्या है, इसके रूल्स हैं. अगर रूल्स हमें याद हो गए सही से, तो हमें सिग्निफिकेंट फिगर का कोई बंदा हमारे क्वेश्चन गलत नहीं करा सकता. और क्वेश्चन आता है, फ्रीक्वेंटली आता है, मतलब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आएगा तो सही हो जाएगा, वो वाला फंडा नहीं, आएगा ही आएगा क्वेश्चन, मतलब इसमें से इस चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा, और सिग्निफिकेंट फिगर का भी क्वेश्चन बट फ्रीक्वेंटली जेई एडवांस तक में आ चुका है, ठीक है? नीट और जेई मेंस में तो आता ही आता है, बट जेई एडवांस जैसे एग्जाम तक में सिग्निफिकेंट फिगर क्वेश्चन पूछ चुकी है. तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन द मेजर्ड वैल्यू अबाउट द करेक्टनेस ऑफ विच वी आर श्योर प्लस वन मोर डिजिट इज कॉल्ड द सिग्निफिकेंट फिगर. मतलब जितने के बारे में हम श्योर है, जैसे आपके पास मान लीजिए स्केल है, तो स्केल क्या करता है, मिलीमीटर तक नाप सकता है. तो मान लीजिए आपने लिखा 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है?
आप उसको 2.15 तक भी ले सकते हैं, आप आई वाला जो मेजरमेंट है उसको भी आप काउंट कर सकते हैं कि 2 मिलीमीटर के बीच तक कहीं आ रहा है, इसका मतलब 0.5 और होगा, है ना, ऐसे करके भी आप सोच सकते हो। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती है, जितनी आपकी करेक्टनेस है वो और प्लस वन, विच वी आर श्योर और प्लस वन, इतने को बेसिकली डेफिनेशन अगर हमारे पास लिखने को आती है तो ये सिग्निफिकेंट फिगर की क्या बनेगी, डेफिनेशन बनेगी। बट डेफिनेशन तो स्कूल में शायद लिखने को आए, स्कूल में भी क्वेश्चन ही आते हैं। तो बात हम जो है रूल्स पर आ जाते हैं कि कैसे कैसे रूल डिटरमाइन किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं द रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो हैं वो क्या क्या रूल्स हमारे पास हैं। ठीक है, तो जैसे कोई भी नंबर आपको दे दिया जाएगा सिंपली और आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ भैया इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आपको बताना पड़ेगा भाई कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी इसके अंदर जैसे हमने लिखा 1, 5, 6, 7, 8, तो पांचों फिगर जो है वो सिग्निफिकेंट हो गए। ठीक है, इसमें कोई जीरो नहीं है, ना लेफ्ट में ना राइट में ना ट्रेलिंग ना ट्रेंडिंग, कोई जीरो इसके अंदर नहीं है, तो सारे के सारे नंबर्स काउंट हो गए और इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो गई, 5 सिग्निफिकेंट। रूल नंबर टू क्या कहता है, रूल नंबर टू कहता है ऑल द जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज, डेसिमल से कोई लेना देना नहीं है। अगर जीरो सैंडविच हो जाती है, जीरो अगर सैंडविच हो जाती है दो नॉन जीरो के बीच में, तो उसको हमें काउंट करना ही है। जैसे यहां पे अगर आप देखें 108006, तो दो जो जीरो है वो दो नॉन जीरो के बीच में सैंडविच है, एक सिंगल जीरो जो है 1 और 8 के बीच में सैंडविच है और डबल जीरो जो है 8 और 6 के बीच में सैंडविच है, यानी इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गई बेटा, 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहां पर हो, ये रूल नंबर टू हो। अब ये रूल्स जो आगे आ रहे हैं ये थोड़े से ध्यान देने वाले हैं, क्योंकि ये तो सिंपल थे, ये तो आप वैसे भी याद रख सकते हो, बचपन में भी पढ़े होंगे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा कि केमिस्ट्री में भी शायद आप ये पढ़ोगे, ठीक है, तो भैया केमिस्ट्री में हो सकता है कि थोड़े रूल इधर उधर हो, बट फिजिक्स वाले रूल जो फिजिक्स एनसीईआरटी या जो साइंस फोरम कहती है वो यही है, और फिजिक्स में क्वेश्चन आएगा तो इन रूलों से करना है। ठीक है, तो दिस इज ए प्रिकॉशन। If the number is less than 1, the zeros on the right of the decimal point but to the left of the first non-zero are not significant. मतलब अगर कोई नंबर जीरो से छोटा है, 1 से छोटा है, राइट, और उसके इधर लेफ्ट में जीरो लगे हुए हैं, वो सारे जीरो जो है वो इनसिग्निफिकेंट है। जैसे यहाँ पे हमने मैंने अंडरलाइन ऑलरेडी कर रखा है, तो तीन जीरो को, ये तीनों जीरो कैसे है, इनसिग्निफिकेंट है, बट जो ये वाला जीरो है ये सैंडविच्ड है, इसलिए ये सिग्निफिकेंट है। इसलिए इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हुई, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 0, 8, ये चार नंबर जो हुए वो सिग्निफिकेंट हुए, तो इसका मतलब इट हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट, इसके अंदर जो है देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट। फिर नेक्स्ट रूल क्या कहता है, नेक्स्ट रूल जो कहता है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑल द जीरोस टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट, जिसको हम ट्रेलिंग जीरोस भी बोलते हैं, इन ए नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट अनलेस दे कम फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब ये बड़ा जोरदार गेम है यहाँ पे। अब जैसे लिखा हुआ है 1, 2, 3, 0, 0, 1, 2, 3, 0, तो इसमें हम सिर्फ ना ये 1, 2, 3 यही तीन सिग्निफिकेंट फिगर है, और जो ट्रेलिंग जीरोस हैं वो यूजलेस है। ठीक है, ट्रेलिंग जीरो जो है वो यूजलेस है, यानी इन तीनों एग्जाम्पल में वी हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इन तीनों एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, बट इफ जीरो अगर क्वेश्चन में ये लिखा जाए कि वी हैव ऑब्टेन्ड दिस ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट, तो इसका मतलब उसको ऑपरेटर से उतने तक नापा गया है इसलिए वो सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास अवेलेबल इंस्ट्रूमेंट है ना उससे हम क्या मेजरमेंट ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने आपको स्कूल में जो आप अपने पेंसिल बॉक्स में स्केल ले जाते हैं उससे मैंने कहा कि भैया इस पेन की जो है इस वाले एप्पल पेन की लेंथ नाप के बताओ, आपने कहा सर इसकी लेंथ जो है भैया इसकी लेंथ जो आई 10.432671 आई। मैं पूछूंगा भाई साहब
आपके पास स्केल जो है वो तो डेसिमल के एक प्लेस तक नाप सकता था, तो आपने इतना लंबा कहां से बता दिया हमको कि 10.73261 है। तो इसका मतलब ये जो आप बता रहे हो ये सब इनसिग्निफिकेंट हैं, इसलिए जहां तक आप बता सकते हो वही सिग्निफिकेंट है। और उसी इसी इसी चीज को दिमाग में रखते हुए सिग्निफिकेंट फिगर के सारे रूल्स बनाए गए। ठीक है, तो चलिए इस रूल की बात हो गई। अगर एक्सपेरिमेंट से लिखा है हम सारी बात करेंगे, नहीं लिखा है बात खत्म हो जाएगी। राइट, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है जिसे कहना चाहिए, द ट्रेलिंग जीरो या नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, जैसे 3.500, इसका मतलब है कि हमारे पास एक ऐसा इक्विपमेंट था, ऐसा इंस्ट्रूमेंट था, ऐसा एपरेटस था जो इसको इतने डेसिमल प्लेसेस तक मेजर कर सकता था, इसलिए इसके अंदर चार सिग्निफिकेंट फिगर है। राइट, ये वाले तो सिग्निफिकेंट है नहीं, ये तो आपको पता है, इधर वाले लेफ्ट वाले सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, राइट वाले सिग्निफिकेंट हैं। तो इसमें कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, तो दोनों के अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो गई, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। राइट, अब आप देखो इसमें और इसमें क्या फर्क है, यहां पर जो था वो यूनिट चेंज करने से सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखें कि यूनिट आपको कि भाई भैया 2 सेंटीमीटर लिख लू या 20 मिलीमीटर लिख लू, तो आपने कहा था कि राइट वाला जो है एक्सपेरिमेंट से ना पाए तो वो तो जीरो काउंट होगा, नहीं, आपने यूनिट चेंज कर दी, यूनिट चेंज करने से सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं हुई। जिस एपरेटस से आपने मेजर किया है वो एपरेटस जिस यूनिट में है वही यूनिट सिग्निफिकेंट फिगर है, और वो आपको क्वेश्चन में क्लियरली स्पेसिफाई किया गया होगा, तो इस मायाजाल में नहीं फंसना है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि नोट दैट द चेंज ऑफ द डिफरेंट यूनिट डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये जो है बहुत बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, क्योंकि कई बच्चे जो होते हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको कंफ्यूज क्वेश्चन करते हैं, बनाया क्वेश्चन ऐसे जाता है कि उसे कंफ्यूज किया जाए। राइट, अब साइंटिफिक नोटेशन की बात भी कर लेते हैं कि अगर हम 10 की पावर में किसी चीज को लिख देते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज होती है, नहीं होती है। जैसे हमने लिखा 4.700, 4.700 into 10 to the power 4, 4.700 into 10 to the power 3, तो इस सब के अंदर जो है 10 की पावर इररेलेवेंट है और सब के अंदर जो है वो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, सब के अंदर जो है वो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, और आप हमारे इसको वीडियोस के सीरीज को देखते रहिए, आपको लास्ट क्लास में मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग कराऊंगा, अभी तो हम दो दो तीन तीन एग्जांपल सिर्फ लेते हैं जिसमें आपको थ्योरी समझा रहे हैं। लास्ट क्लास में हम एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स भी करेंगे और बाहर से प्रॉब्लम करेंगे, उस क्लास को जरूर देखिएगा, उसके अंदर आपको ये सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे जब हम खूब सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, है ना। देन जो है अब हम आते हैं राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट या लास्ट डिजिट। हम जब किसी डिजिट को राउंड ऑफ करते हैं, ये आप लोग बचपन में भी करते होगे शायद कि किसी डिजिट को राउंड ऑफ हमें करना है, तो ये वाला हम काम करते थे छोटे क्लासेस में भी। राइट, तो द लीस्ट सिग्निफिकेंट राउंड ऑफ, इफ द डिजिट नेक्स्ट टू द लीस्ट सिग्निफिकेंट अनसर्टेन डिजिट इज मोर देन 5, द डिजिट टू बी इंक्रीज्ड बाय 1। जैसे मान लीजिए मेरे पास लिखा है सपोज कि हमारे पास लिखा हुआ है 4.36 और मेरे को एक डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, तो 6 जो है 5 से बड़ा है, तो सिंगल प्लेस तक राउंड ऑफ करूंगा तो ये हो जाएगा 4.2, यानी ये नंबर हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 1। ठीक है, नेक्स्ट कहता है इफ द डिजिट नीड टू बी राउंडेड 1 राउंडेड इज लेस देन 5 द नंबर राउंडेड ऑफ इज रिमेन अनचेंज। अगर ये नंबर होता मेरे पास 4.34 और इससे मेरे से कहा जाता इसको राउंड ऑफ करो, तो ये मैं इसको राउंड ऑफ करके 4.3 ही लिखता। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट रूल कहता है इफ द नंबर टू बी राउंडेड 5 इज ग्रेटर राउंडेड बाय 1 इफ द इट इज ऑड एंड लेफ्ट अनचेंज इफ इट इज इवन। ठीक है, अगर ये है 4.35 यानी 5 को राउंड ऑफ करना है मेरे को, 5 को राउंड ऑफ करना है तो पहले वाला मैं देखूंगा, तो पहले वाला क्या है, नंबर 3 है, 3 कैसा है, ऑड है, तो ये क्या हो जाएगा 4.4। ठीक है, बट अगर मेरे पास होता ये 4.45, ठीक है, और मुझे राउंड ऑफ करना होता तो ये होता 4.4। ठीक है, क्योंकि 4 कैसा था, इवन था। राइट, तो ये रूल हो गया, द सिग्निफिकेंट ड्रॉप इज अपीयर टू द डेसिमल पॉइंट 0 स्पेस बिटवीन देम। अब जैसे सपोज करो, सपोज वी हैव टू राउंड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो हमें किसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करना है, 15462।
आखिरी सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करना है, यानी मेरे को 6 और 2 हटाना है, ठीक है, तो मेरे पास बचेंगे 154, ठीक है। अब 154, अब यानी मैं 6 को हटा रहा हूं, 6 जो है वो 5 से बड़ा है, तो 154 की जगह ये हो जाएगा 155, ठीक है। बट इसके बाद भी जो दो डिजिट थे इसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, जीरो से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि ये 5 डिजिट नंबर था, तो मेजरमेंट 5 डिजिट नंबर ही रहेगी, मेजरमेंट 3 डिजिट नंबर नहीं हो सकती है। मेजरमेंट जो है 5 डिजिट तक आपने किसी चीज को मेजर कर लिया, अब आप कह रहे हो कि सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ कर दें तो वो 3 डिजिट हो जाए, तो 3 डिजिट नहीं हो सकता, तो उसको क्या करेंगे, 15500 लिख देंगे। बट इसमें ट्रेलिंग जीरोस इनसिग्निफिकेंट है, तो ये जो 155 जो हुआ इसमें नंबर जो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर रही वो 3 रही, तो इट हैज ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। समझ गए, अगर बड़े नंबर को आपको राउंड ऑफ करना है, इस तरीके के नंबर को आपको राउंड ऑफ करना है, तो उसको आप हटा दीजिए, बट नंबर जो रहेगा फिगर्स का वो सेम रहेगा, जीरो उन नंबर्स की जगह पे क्या आ गया है, जीरो आ गया है, राइट। चलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा, अगर इसमें जो सबसे ज्यादा जेई अगर क्वेश्चन या नीट क्वेश्चन पूछता है तो इससे पूछता है, दूरों से पूछता है, ये एल्जेब्रिक ऑपरेशन के रूल है कि अगर हम दो नंबर को ऐड करेंगे तो क्या होगा, दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, या दो नंबर को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो रूल क्या कह रहा है, हमारा रूल कहता है कि इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट शुड ऑब्टेन एज मेनी डेसिमल प्लेसेस एज देयर आर इन नंबर विद द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। रूल वन का एग्जांपल वन अगर हम करें, सपोज करो रूल वन का अगर हम एग्जांपल लिखें, सपोज करो तो कैसे लिखेंगे, ऐसे मान लीजिए मुझे ऐड करना है 4.2 प्लस 3.31, तो ऐड करके क्या आ जाएगा बेटा, ऐड करके आ जाएगा 1 और 3 और 2 5 और 4 और 6, बट हमें किस पे आंसर करना है, मिनिमम डेसिमल प्लेस, तो पहले 4.2 में एक डेसिमल प्लेस है और 3.31 में दो डेसिमल प्लेस है, तो आंसर जो होगा वो एक डेसिमल प्लेस पे होगा, इसलिए इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा 7.5, ठीक है। सिमिलरली आप सब्ट्रैक्शन में कर सकते, अब दूसरे पे आते हैं, दूसरी बात क्या कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या रूलों की बात कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में ये रूलों की बात कर रहा है, ये कह रहा है कि इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी सिग्निफिकेंट फिगर एज दे आर इन द ओरिजिनल नंबर विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या काउंट करना है, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करनी है, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, लीस्ट डेसिमल पॉइंट्स काउंट करने हैं, ठीक है। चलिए अगर हम मान लीजिए मल्टीप्लाई करें 1.1 इनटू 1.2 लेट अस ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा। अब इस केस में क्या है कि दोनों में ही दो सिग्निफिकेंट फिगर है हमने जो लिया है, ठीक है, तो इसलिए जो हमारा आंसर होगा वो 1.2 ही होगा, ठीक है। अगर हम मान लीजिए ऐसा होता हमारे पास, सपोज करिए हमारे पास एक होता, सपोज कर लो कि मेरे को डिवाइड जो करना होता वो ऐसे 1.22 को अगर मुझे 0.2 से डिवाइड करना होता, 1.22 को अगर मुझे 0.2 से डिवाइड करना होता तो मेरे पास जो आंसर आता वो आता 6.1, है ना। इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर 1 है और ऊपर लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, ऊपर सिग्निफिकेंट फिगर 3 है और नीचे सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, तो 6.1 को मुझे राउंड ऑफ करना है 1 सिग्निफिकेंट फिगर में, तो मैं इसका आंसर जो लिखूंगा वो 6 लिख दूंगा, इसका आंसर जो मैं लिख दूंगा वो 6 लिख दूंगा, क्योंकि देखिए न्यूमरेटर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है 3, डिनोमिनेटर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है 1, तो आंसर किसमें होना चाहिए, 1 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर होना चाहिए, ठीक है। इसलिए जो हमारा आंसर हुआ
तो वो क्या हो गया, वो मतलब इसमें कोई कई चीजें आपको अजीब सी लगेंगी कि भैया ये कैसे हो गया, है ना, मतलब ये तो होने ही नहीं चाहिए, तो थोड़ा सा साइंस के अगेंस्ट लग रहा है। बट ये जो पूरी बातचीत जो हो रही है अभी, ये सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर के लिए हो रही है, इसके बाहर आप इस सबको अप्लाई नहीं कर सकते। इस सबको आप अप्लाई कब करेंगे, जब क्वेश्चन कहता है कि फाइंड दिस एज पर द सिग्निफिकेंट फिगर्स और एज पर द रूल्स ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर। डे टू डे लाइफ में आप ये सब फंडे नहीं लगा सकते, सब गलत हो जाएगा, है ना। दिस इज ओनली फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट। चलिए आगे चला जाए, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि ए मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मेजर्ड इज 4.237 ग्राम्स, ठीक है, चार सिग्निफिकेंट फिगर हो गई इसके अंदर, एंड इट्स वॉल्यूम इज 2.51, तीन सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। फाइंड इट्स डेंसिटी इन प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर्स। आप सब जानते हैं कि डेंसिटी जो होगी वो मास अपॉन वॉल्यूम होगी, तो 4.237 डिवाइडेड बाई 2.57 आंसर हमारा आ गया 1.6486, राइट। बट हमें आंसर कितने सिग्निफिकेंट, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, तीन, तो हमें आंसर देना है तीन सिग्निफिकेंट फिगर पे, यानी हमें 8 को राउंड ऑफ करना है। 8 को राउंड ऑफ करेंगे, 8 5 से बड़ा है, यानी 4 जो होगा एक बढ़ जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो गया, 1.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में हमने इसका आंसर दे दिया, राइट। और क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आउट द सम ऑफ द नंबर्स 436.32 ग्राम, 227.2 ग्राम एंड 0.301 ग्राम बाय अरिथमेटिक एडिशन। हम तीनों को ऐड करेंगे, आपको बताया है अभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मिनिमम डेसिमल प्लेसेस देखे जाते हैं। तो यहां पर है 2 डेसिमल प्लेस, ठीक है, यहां पर है 1 डेसिमल प्लेस और यहां पर है 3 डेसिमल प्लेस, ठीक है। तो मिनिमम कितना हो गया, मिनिमम हो गया 1 डेसिमल प्लेस, यानी आंसर जो आएगा वो 1 डेसिमल प्लेस तक आएगा। इन तीनों को आप ऐड करते हैं तो आपको मिलता है 663.821। तो हम 2 को राउंड ऑफ करेंगे, 2 5 से छोटा है इसलिए नंबर आधार वाला सेम रहेगा, इसलिए ये रह गया 663.8 ग्राम। तो ये हो गया हमारा आंसर। देखने में क्वेश्चन बहुत इजी लग रहे हैं और ऐसे ही क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम में आते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे कराने के लिए आपको इजी क्वेश्चन करा रहा हूँ, इनफैक्ट ये वाला जो प्रॉब्लम है ये IIT एडवांस का आया हुआ प्रॉब्लम है, राइट। तो इस तरीके के ही प्रॉब्लम आते हैं, बट रूल जो है सिग्निफिकेंट फिगर का, इसको ध्यान रखना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट। इसके बाद कहता है राउंड ऑफ द फॉलोइंग फिगर टू द 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। तो पहले वाला हो गया हमारा 14.74, तो हमें 7 तक राउंड ऑफ करना है, यानी 4 को हटा देना है। 4 को हटा देंगे, 4 5 से छोटा है इसलिए कितना बचेगा, 14.7 बचेगा, यानी जो डिजिट है वो अनचेंज है। इसके बाद है 14.750, ठीक है, 14.750 जो है 7 8 बनेगा, क्योंकि आपको 5 को राउंड ऑफ करना है और 5 से पहले वाला नंबर ऑड है, और अगर नंबर ऑड होता है तो 1 से इंक्रीज कर जाता है, इसलिए ये 14.8 बन गया, राइट। ये भी रूल आपको समझाया अभी थोड़ी देर पहले। तीसरा है 14.650 इंटू 10 टू द पावर 12। अब आप ये जानते हो कि 10 की पावर से तो आपको कोई लेना देना है नहीं, आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक जाना है, 5 को आपको राउंड ऑफ करना है, उससे पीछे वाला नंबर इवन है और इवन नंबर जो होगा वो अनचेंज होगा, इसलिए ये 14.5 इंटू 10 टू द पावर 12 बड़ा, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही है, 1 4 और 6 10 की पावर जो है वो इररेलेवेंट है, अनकाउंटेबल है, उसका कोई लेना देना नहीं। तो मैं फिर से आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, इसको सिग्निफिकेंट फिगर को लेके जो रूल्स है उसको आप रट लीजिए, याद कर लीजिए और उसके बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। हम लोग फिर मिलते हैं एक और सेशन में यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट में, इसके अंदर हम और बातें करेंगे बची हुई। तो स्टे ट्यून्ड, स्टडी स्टे होम, स्टडी स्टे सेफ एंड स्टडी लाइव विद VMC। विश यू। For more such videos, subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon.